स्टार्ट। नमस्ते बच्चों, आज हम नाइन्थ बी के कुछ सवालों के बारे में कुछ बात करते हैं। इसमें एक इम्पोर्टेंट सवाल है 20वां सवाल नाइन्थ बी का, जिसमें e to the power x plus e to the power minus x upon e to the power x minus e to the power minus x का हमें उत्तर ज्ञात करना है, ठीक है। तो हमने माना कि y इक्वल टू उसको y के बल में मान लिया, समीकरण एक बना दिया, ठीक है। समीकरण एक के दोनों अक्षों का स्मॉल x के सापेक्ष अवकलन करेंगे, ठीक है। दोनों पक्षों का अवकलन करेंगे तो df on dx of y, df on dx of e to the power x plus e to the power minus x upon e to the power x minus e to the power अवकलन करते हैं तो क्या आता है एफ टू एक्स, दूसरा फलन पहले का अवकलन माइनस पहला फलन डी अपॉन डी एक्स ऑफ एफ टू एक्स, ठीक है। अपॉन में क्या एफ टू एक्स का होल स्क्वायर, ये फार्मूला लगेगा। तो इसमें हमने पहला फलन तो ये मान लिया है, सेकंड फलन ये मान लिया है, क्या क्या जाएगा तुम्हारे पास सेकंड फलन, सेकंड फलन मतलब e टू दी पावर x माइनस e टू दी पावर माइनस x, फिर डी एफ ऑन डी एक्स पहला फलन e टू दी पावर x प्लस e टू दी पावर माइनस x, फिर माइनस पहला फलन e टू दी पावर x प्लस e टू दी पावर माइनस x, फिर डी एफ ऑन डी एक्स हो जाएगा e टू दी पावर x माइनस e टू दी पावर माइनस x, और टोटल के बटे में क्या e टू दी पावर x माइनस e टू दी पावर माइनस x का होल स्क्वायर, ये फार्मूले से, ठीक। अब नॉर्मली जैसे अवकलन होता है वैसे अवकलन, ठीक है। e टू दी पावर x माइनस e टू दी पावर माइनस x इनटू d अपॉन dx ऑफ e टू दी पावर x प्लस d अपॉन dx ऑफ e टू दी पावर माइनस x माइनस e टू दी पावर x प्लस e टू दी पावर माइनस x, ऐसा कह सकते d अपॉन डी एक्स का अंदर इंक्लूड हो जाए टोटल क्वांटिटी में क्या e टू दी पावर x माइनस e टू दी पावर माइनस x का होल स्क्वायर, ठीक है। माइनस e टू दी पावर x प्लस e टू दी पावर माइनस x e टू दी पावर x माइनस माइनस का e टू दी पावर माइनस x, और e टू दी पावर x माइनस e टू दी पावर माइनस x का होल स्क्वायर। तुम्हारे पास फार्मूला होता है d अपॉन डी एक्स ऑफ e टू दी पावर x की वैल्यू जो होती है वो e टू दी पावर x होती है, और d अपॉन में डी एक्स ऑफ e टू दी पावर माइनस x की जो वैल्यू होती है वो माइनस का e टू दी पावर माइनस, ठीक है। डीवाई अपॉन डी एक्स इक्वल टू क्या क्या e टू दी पावर x माइनस e टू दी पावर माइनस, यहाँ पे माइनस चिन्ह का इंटू होगा तो e टू दी पावर x माइनस e टू दी पावर माइनस e टू दी पावर x प्लस e टू दी पावर माइनस x, माइनस चिन्ह का अंदर गुणा होगा तो माइनस माइनस प्लस, अपॉन में क्या e टू दी पावर x माइनस e टू दी पावर माइनस x का होल स्क्वायर। डीवाई अपॉन डी एक्स दोबारा e टू दी पावर x माइनस e टू दी पावर माइनस x का होल स्क्वायर माइनस e टू दी पावर x माइनस
सॉरी प्लस ई टू दी पावर माइनस एक्स का होल स्क्वायर अपॉन में क्या ई टू दी पावर एक्स माइनस ई टू दी पावर माइनस एक्स का होल स्क्वायर, इनका होल स्क्वायर खोल दे, इसका होल स्क्वायर खोला तो ई टू दी पावर टू एक्स प्लस ई टू दी पावर माइनस का टू एक्स माइनस टू इंटू ई टू दी पावर एक्स ई टू दी पावर माइनस एक्स माइनस e टू दी पावर टू एक्स प्लस ई टू दी पावर माइनस टू एक्स प्लस टू इंटू ई टू दी पावर एक्स इंटू में ई टू दी पावर माइनस एक्स अपॉन में क्या ई टू दी पावर एक्स माइनस ई टू दी पावर माइनस एक्स का होल स्क्वायर डीवाई अपॉन में डी एक्स इक्वल टू ई टू दी पावर टू एक्स प्लस e टू दी पावर माइनस टू एक्स माइनस इसके वैल्यू वन जाएंगे माइनस चिन्ह का अंदर गुणा कर दो e टू दी पावर टू एक्स माइनस का e टू दी पावर माइनस का टू एक्स माइनस टू इंटू इसकी वैल्यू कितनी वन अपॉन में e टू दी पावर एक्स माइनस e टू दी पावर माइनस एक्स का होल स्क्वायर ठीक है e to the power x into e to the power minus x equal to one. ठीक ये प्लस ये माइनस ये प्लस ये माइनस ये दोनों कैंसिल तो डी वाई अपॉन में डी एक्स इक्वल टू कितना हो जाएगा माइनस का दो और माइनस का दो कितना होगा माइनस के चार अपॉन में e to the power x माइनस e to the power minus x का होल स्क्वायर ये इसका आपका आंसर ठीक है. Thank you.